रीवा में मुस्लिम लड़के पर एक हिंदू महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मुस्लिम युवक पर महिला ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि जान से मारने की धमकी देकर मुस्लिम युवक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़ित महिला के मुताबिक युवक पिछले 4 महीने से उसे परेशान कर रहा था। मामूली सी जान पहचान होने के चलते आरोपी उसके घर में आने जाने लगा था और बाद में उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया था। मारपीट करते हुए आए दिन चाकू की नोक उसे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। यही नहीं, अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव भी बनाने लगा था। थक हार कर महिला पुलिस की शरण में पहुंची। हम आए हैं, हमारे साथ है एक आसिफ खान नाम का लड़का है, वो हमें परेशान करता है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। किस तरह से परेशान करता है और कब से परेशान करता है? आज वो 4 महीने से हमको परेशान कर रहा है। क्या बोलते हैं, क्या पूरे पूरा मामला बताइए। बोलता है कि तुम हमारे साथ शादी कर लो और तुमको हम अच्छे से रखेंगे, तुम अपना बच्चा अपना पति छोड़ दो, सबको ऐसा कर दो, और हमारे बच्चों को मारने की धमकी देता है, हमको भी मारने की धमकी देता है। और क्या बोला जाता है उसके द्वारा? क्या और क्या कहता है वो? यही कहता है, मारने की धमकी देता है, शादी के लिए बोलता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए भी। हाँ, ये सब बोलता है। क्या बोलता है पूरा बताइए ना। धर्म परिवर्तन के लिए बोलता है कि तू हमारे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा, बच्चों को भी हमारे बोलता है कि हम तुम्हारे बच्चों को भी ऐसा करेंगे, मुसलमान बना देंगे, तुम भी अच्छा से रहोगी, तुम्हारे बच्चे रहे, तुम्हारा पति को छोड़ दो, ऐसा बोलता है। कब से परेशान कर रहा है? आज 4 महीने से परेशान कर रहा था। तो हम यहाँ थे तो हमें डर लगता था कि हमारे बच्चों को धमकी देता था कि हम मार देंगे, तो हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे। और जब हम गांव चले गए तो हम गांव जब गए तो हम वहाँ से ही उसको डरवाने लगे कि अब तुम्हारे में फ़ोन ऑन नहीं करना। तो फिर हमारी जो गंदी गंदी फोटो थी उसको उसने हमारे पूरे व्हाट्सएप फेसबुक में डाल दिया। युवक से पहचान कब हुई? वो हमको बदनाम कर दिया। युवक से पहचान हुई, वो बस स्टैंड में दुकान रखा था, हमारे बच्चे वहाँ जाते थे, जब कभी लेट हो जाते थे तो हमारे बच्चे को छोड़ने वो हमारे रूम तक आता था। कितने साल पहले से जानता था? अभी 2-4 महीने पहले से ही जानता है, 4-5 महीना हो गया। और किस तरह की धमकी देता है? मारने की धमकी देता है हमको। अश्लील फोटो उसके पास कैसे पहुंची? वो हमको मार मार के धमकी दे के ये सब फोटो बनाता था और हम डर मारता था। दुष्कर्म भी किया आपके साथ? हाँ, दुष्कर्म भी हमारे साथ करता था, हमको डरवाता था, मारता था, तो हमको हमारे साथ स्वाभाविक है कि दुष्कर्म करेगा ही। किस तरह की धमकी दी जा रही थी उसके द्वारा? वो हमको जान से मारने की धमकी दे रही, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, उसको बोल रहा था कि हम बच्चों को जान से मरवा देंगे, मार देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करोगे तो। युवक के अत्याचार से तंग आकर पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक महिला शिकायत पत्र लेकर आई है जिसमें कोई मुसलमान लड़का के खिलाफ वीडियो वायरल मतलब वीडियो बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गई है और फिर वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिस पर से शिकायत आवेदन ले लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। उसका आरोप है कि लड़का दबाव बना रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए, बच्चे के साथ और बोला कि मेरे घर में आ जाओ, तुमको पैसे दूंगा, वहाँ से फिर चलो। आवेदन में उसने ऐसी कुछ बातें बताई हैं कि वो उसकी कास्ट का नहीं है, मुस्लिम धर्म का है। फिलहाल मामला काफी संवेदनशील है। महिला का चाकू की नोक पर बलात्कार करना और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना काफी संगीन अपराध है, लिहाजा पुलिस सारे पहलुओं को देखते हुए मामले की जांच में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।